मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्ष में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृत किया है। कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि गौवंश की तस्करी करते पकड़े जाने पर अब वाहन भी राज्य साथ होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट में मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम का अनुमोदन कर दिया है। इस अधिनियम के तहत कलेक्टरों को वाहन राज्य साथ करने के अधिकार दे दिए गए हैं। वही खुले नल कूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम विधेयक 2024 का अनुमोदन कर दिया है। इस विधेयक में नलकूप खनन के बाद उन्हें खुला छोड़े जाने पर जिम्मेदारी तय की गई है। आज मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में विधानसभा भवन में ही कैबिनेट की बैठक सम्पन्न हुई। आप सभी को विदित है कि पिछली कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा था कि वेतन भत्ता जो माननीय मंत्रीगणों को मिलता है उसमें 1972 से एक एक्ट के अंदर ये प्रावधान था कि मंत्रियों को मिलने वाला वेतन भत्ता, उस पर लगने वाला इनकम टैक्स वो राज्य सरकार देगी। माननीय मुख्यमंत्री जब मंत्रिमंडल में प्रस्ताव रखा तो सभी माननीय मंत्रीगणों ने उसको सहज स्वीकार करते हुए, तो आज उस पर कैबिनेट में प्रस्ताव आया और उस संशोधन विधेयक को पास कर दिया गया। वो जल्दी ही विधानसभा में प्रस्तुत होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जो निर्णय सरकार ने लिया उसी निर्णय के अनुसार विधानसभा के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी और नेता प्रतिपक्ष उमंग शंगार जी ने भी यह घोषणा की कि हम भी अपना वेतन भत्ते पे लगने वाला इनकम टैक्स सरकार से नहीं, हम स्वयं भरेंगे। मैं अध्यक्ष जी का और नेता प्रतिपक्ष का इस कार्य के लिए धन्यवाद देता हूँ सरकार की तरफ से। आप सभी जानते हैं कि लघु वनोपज जो कि हमारे आदिवासी भाइयों के द्वारा संग्रहित की जाती है और उसका एक बहुत बड़ा अंश राज्य शासन को भी के पास भी संग्रहित होता है और आदिवासी भाइयों को भी दिया जाता है, पर जो राज्य शासन के आने वाले अंश में अब ये निर्णय लिया गया कि इस अंश के माध्यम से जो भी राशि आएगी इससे हमारे आदिवासी भाइयों के क्षेत्र में ही विकास होगा, यह पैसा अन्यत्र नहीं लगाया जाएगा। कैबिनेट में इस विषय में भी निर्णय लिया गया। वैसे ही हमारे माननीय महामहिम गवर्नर साहब ने एक सुझाव दिया था कि विश्वविद्यालय के कुलपतियों को कुल गुरु बोलना चाहिए। मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना और संचालन संशोधन विधेयक आज कैबिनेट में प्रस्तुत हुआ, जिसमें कुलपति को अब कुल गुरु के नाम से संबोधित किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय पर आज कैबिनेट में निर्णय हुआ। हम आए दिन देखते हैं कि नलकूप खनन होता है, खुले छोड़ दिए जाते हैं और उसमें बच्चे चले जाते हैं। इसके लिए अभी तक जवाबदारी फिक्स नहीं थी। अभी आज कैबिनेट ने एक निर्णय लिया है कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। ड्रिलिंग करने वाले की जो ड्रिलिंग करता है उसे ड्रिलिंग करने के बाद उसको बंद करना होगा, साथ ही जिसकी जमीन होगी जिसने बोरिंग कराया यदि उसने भी उस बोर को बंद नहीं किया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और यदि दोनों बंद नहीं करते हैं तो राज्य शासन बंद करेगी तो उसकी राशि दंड सहित उनसे वसूली जाएगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि बच्चे खेलते खेलते हमेशा नलकूप में चले जाते हैं। देश में ऐसा किसी भी राज्य में कोई प्रावधान नहीं था। डॉक्टर मोहन जी यादव के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसमें इस संबंध में निर्णय लिया गया कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई। अभी तक गोवंश के परिवहन के अंदर
ये प्रावधान था कि गोवंश तो जब्त कर लिया जाता था, किंतु गाड़ियां जिस पर गोवंश परिवहन होता हो वो राजसात नहीं होती थी, क्योंकि नियम में कलेक्टर को कोई अधिकार नहीं था। आज ये अधिकार भी कलेक्टर को दे दिए गए हैं कि जब भी कोई गोवंश का परिवहन करे तो जिस प्रकार आबकारी में और माइंस के अंदर राजसात करने का अधिकार है जिलाधीश को, वैसे ही अधिकार आज गोवंश परिवहन पर भी माननीय कलेक्टर महोदय को यह अधिकार दिए हैं कि वे गोवंश के परिवहन की गाड़ी को राजसात कर सकते हैं। पुराना वल्लभ भवन हमारा, हमने देखा है कि दो बार उसमें आग लगी है, और जो अभी नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है वो, और इसलिए नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार उसमें कुछ नाम्स होते हैं सुरक्षा के, जैसे अभी सबसे बड़ा जो वहाँ पर खतरा है वो आगजनी का ही है, दो बार आग लग चुकी है, हमने सबने देखा है, पर उस आग को बुझाने का प्रावधान नहीं था, इसलिए भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो तो नेशनल बिल्डिंग कोड के जो आधुनिक नॉर्म्स है उसके अनुसार इस बिल्डिंग में सुधार किया जाएगा। इसके लिए 107 करोड़ रुपए कैबिनेट ने स्वीकृत किए हैं, बस यही आज महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट के थे। सर, भारतीय न्याय संहिता हो गया है, कांग्रेस पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि पूरा दंड संहिता ठीक था, वो न्याय संहिता का विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी कल सदन में वक्तव्य देंगे। देखिए, विधानसभा नियम और कानून के अनुसार चलती है, नियम और कानून में स्थगन कब ग्रहण करना, कब लगाया जा सकता है, इसका माननीय सदस्यों को हमेशा अध्ययन करके ही लगाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथियों ने शायद स्थगन का अध्ययन नहीं किया। हमेशा स्थगन तब लगता है जब दो सत्र के बीच में ऐसी कोई घटना हो जाए जो तात्कालिक हो, जिस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक हो, क्योंकि सदन की कार्रवाई को रोक कर स्थगन पर चर्चा की जाती है, इसलिए स्थगन बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव होता है। एक तरीके से वह विधानसभा के अंदर मिसाइल की तरह काम करता है कि कार्रवाई चल रही है और उसको ठप करके चर्चा कराई जाए। पर यह विषय काफ़ी लंबा है, पुराना है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, सीबीआई जांच चल रही है, ऐसा कोई इसमें तत्काल चर्चा कराई जाए, इसलिए स्थगन विधानसभा की कार्रवाई रोककर चर्चा कराई जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए मैंने सदन में भी कहा और आपके सामने भी कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार किसी भी चर्चा से पीछे हटने वाली नहीं है। हम सदन के अंदर चर्चा महत्वपूर्ण होती है, हम चर्चा किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, पर नियम और कानून के अंतर्गत होना चाहिए चर्चा। कोई ये मंडी बाजार थोड़ी है, विधानसभा एक नियम और प्रक्रिया का हिस्सा है, प्रजातंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है प्रदेश का, यहाँ जो भी चर्चा होगी वो नियम और कानून के अनुसार होगी। इसलिए मैंने नेता प्रतिपक्ष को भी जब कक्ष में अंदर बात हुई तो मैंने उनसे चर्चा की, स्थगन तो नियम के अनुसार आ ही नहीं सकता, यदि आप चर्चा चाहते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष को बता दीजिए, वो किसी भी तरीके से इसको ले लेंगे और चर्चा हो जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ने सहमति प्रदान कर दी, कल वो किसी भी जो प्रक्रिया है उसमें चर्चा करेंगे। हम चर्चा ऐसे भागने वाले नहीं, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच।